वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। और इसके अंदर हम बात करेंगे पूरा वीक कहाँ मूड मिजाज रह सकते हैं मार्केट के, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकती है, और मंडे के दिन आप कौन से सेटअप पे काम कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन गाइस बहुत अच्छा दिन था भी और नहीं भी, बिकॉज मार्केट हैज़ प्लेड रियली 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 नैस्टी पूरा दिन। मार्केट एक फॉल देने के बाद संजीवनी स्ट्रैटेजी गैप डाउन प्रिडिक्ट कर रही थी, लेकिन अगर आपने संजीवनी स्ट्रैटेजी के रूल्स को फॉलो किया होगा तो आपके पैसे बने होंगे, क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दिया खुलते के साथ में ही और लोगों ने काफ़ी अच्छे पैसे बनाए। उसके बाद मार्केट ने ड्रैग किया, यहाँ पर एक स्नेक का पेन हैंडल का बेसिकली फॉर्मेशन किया, इसका पूरा टारगेट दिया और मार्केट ने फिर इस राइजिंग वेज का वी फॉल देके पूरा टारगेट दिया। यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, पूरा टारगेट नहीं दिया और यहाँ पर साइडवेज बंद हो गई। दिस पर्टिकुलर मूव लास्ट में जो आई है, इस मूव ने मार्केट के पूरे मूड मिजाज को कंफ्यूज कर दिया, जिसकी वजह से हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई बिकॉज इट वॉज वेरी वेरी रिस्की। लेकिन यहाँ तक हमारा जो सेटअप बन रहा था दैट वॉज द जैकपॉट सेटअप फॉर मंडे, और अगर ये मार्केट इसके ऊपर यहाँ पर के पे क्लोज होती तो वी वुड हैव गिवन द इंटिमेशन टू एवरीबॉडी टू बाय, बिकॉज मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा गैप अप होने के चांसेस थे। लेकिन लास्ट में दो तीन कैंडल बनी है, इसने सिचुएशन को इतना रिस्की कर दिया था कि नहीं ले पाए। हाँ, मार्केट ने रैली अच्छी दी है, 700 पॉइंट से प्लस प्लस की रैली यूएस मार्केट देखे गए, उसके पीछे क्या रीजन है वो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। निफ्टी के अंदर मंडे के दिन, चलो सारे लेवल डिलीट कर देते हैं और पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि यूएस के अंदर ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, तो यूएस मार्केट में आ गए हैं हम, यहाँ पर डेली के चार्ट के ऊपर आ जाऊँगा मैं। ठीक है, वो सारे लोग जिनने फिबोनाकी का कोर्स किया गाइस, फिबोनाकी एप्लीकेशन के ऊपर काफ़ी लोग पूछ रहे थे। एक है गाइस फिबोनाकी जो गाइस कम पैसों पे गाइस 600-500 रुपीज़ के आसपास है, दैट्स ओनली फिबोनाकी। लेकिन एक 800 के आसपास जो है वो है फिबोनाकी प्लस हाउ टू ड्रॉ मैजिकल लेवल्स, जो ट्रेडिंग के लेवल्स हैं आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, वो भी इसके साथ इंक्लूडेड है, दैट्स व्हाई इट्स एक्स्ट्रा। सो अगर आप बाय करना चाहते हो तो आई रिकमेंड ये वाला करो ताकि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी समझ में आ जाए। बट जिन लोगों ने भी फिबोनाकी को सीखा है भाई, आपको ऑलरेडी पता ही हुआ क्या, गोल्डन पॉकेट से इसने जंप मारी और एक ही कैंडल पूरा का पूरा टारगेट देखे गई, 700 प्लस प्लस की रैली, पूरी फिबोनाकी की ट्रेड है। और जो फिबोनाकी स्टूडेंट है उनको पता है कि कहाँ पर एंट्री कैसे इसको प्ले आउट करना चाहिए था। चलो, हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू द चार्ट्स, ये लेवल करेंगे डिलीट और हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे वीकली कैंडल से एनालिसिस करके कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और वीकली कैंडल देख लेते हैं क्या बोल रही है। वीकली कैंडल अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो गाइस वीकली कैंडल क्लोज हुई है एक बेरिश कैंडल, रेड कैंडल ऑन द टॉप, और यहाँ पर अगर हम बोलिंजर बैंड लगाते हैं इट्स ऑन द टॉप एंड इट्स काइंड ऑफ अ रिवर्सल कैंडल। दैट मीन्स इस कैंडल के लो के नीचे आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा जो कि है 18,468 का लेवल। मार्केट अगर आपको वीक के अंदर 18,648 के लेवल को तोड़ती हुई दिखाई देती है तो आपको डाउन साइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। बट मार्केट में नेक्स्ट वीक अनडिसाइजिव हो गया है क्योंकि कैंडल भी अनडिसाइजिव ही है। यहाँ पर बैंक निफ्टी की कैंडल भी रेड बनी है, एक तरीके से आप देखेंगे तो उसकी बॉडी को इसने भी कवर किया है। तो क्लोजिंग जो है गाइस लेते हैं, इसकी ओपनिंग है 43,935, उसकी क्लोजिंग है 43,937, 2 पॉइंट ऊपर आई है। अगर इसके नीचे आ जाती तो और भी नेगेटिव हो जाता, बट दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रेड कैंडल ओनली। यहाँ पर डेली कैंडल पर अगर हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर गैन रूल एक्टिवेट नहीं हुआ है क्योंकि फ्राइडे अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो लो लगा है और ना ही जो लोएस्ट क्लोजिंग आई है वो फ्राइडे को आई है, तो गैन रूल इस पर एक्टिवेट नहीं हुआ है। फिर हम निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी में भी फ्राइडे थर्सडे वेडनेसडे ट्यूजडे मंडे ना तो लो लगा है ना तो लोएस्ट क्लोजिंग आई है, तो गैन रोल यहाँ पर भी एक्टिवेटेड
नहीं है. दिस इज वेरी टाइट कंसोलिडेशन. एक आइलैंड रिवर्सल कैंडल के बाद में एक शॉर्ट टर्म आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिला है. क्या ये कंटिन्यू रहेगा वो देखना पड़ेगा. इस तरीके से ये प्ले आउट करता है. अब इसके बैंक निफ्टी के छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ दिखाई देगा. मैं बेसिकली 30 मिनट्स के चार्ट पे दिखाऊं तो आपको ये हुआ है पूरा का पूरा दिन जो मार्केट ने करने की कोशिश की. 30 मिनट्स के चार्ट पे मार्केट नीचे गिरा, 30 मिनट्स के ऊपर 200 EMA से बाउंस लिया, ऊपर गया, दोबारा आया और दोबारा इसने 200 EMA के ऊपर बाउंस करके बंद किया. याद रखिए, जब भी 200 EMA के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता है, इट्स कंसिडर एज अ वेरी ग्रेट सपोर्ट पॉइंट. मार्केट वहां से हमेशा बाउंस करने की कोशिश करता है. तो ये 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर खेल रहा है. निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो ये 50 EMA का ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ अभी तक नहीं आई है, लेकिन बैंक निफ्टी ने ऐसा कुछ किया. अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो, और यहाँ से ये लाइन खींचते, देखो ऐसे एक लाइन बनती है, मैं आपको टच करके दिखा रहा हूँ. ठीक है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया. यहाँ से अगर मैं इस पैटर्न को ड्रॉ करने की कोशिश करूँ इस तरीके से, नीचे वाली लाइन में थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेच की है, पर रीज़न आपको बता दूँ. ये आप जो भी ट्राइंगल मान लो, सिमेट्रिकल ट्राइंगल मान लो, इसका इसने ब्रेक डाउन दिया. कई लोग इसको कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल भी बोल रहे हैं. कई लोग इसको हेड एंड शोल्डर भी मान रहे हैं. मेरे हिसाब से ये हेड एंड शोल्डर ही लग रहा है मेरे को. मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन दिया, रीटेस्ट किया और वो रीटेस्ट ही करता गया. इसका बेस इसने नहीं तोड़ा. अगर ये वाला बेस जहाँ से स्विंग का रिवर्सल हुआ है ये मार्केट तोड़ देते, मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स द लोअर टारगेट जो हमने एनालिसिस वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया था. अभी यहाँ पर आपको एक गैप अप होता हुआ दिखाई दे रहा है. मुझे लगता है अगर गैप अप होता है तो मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास रेजिस्टेंस ले सकता है. मतलब अगर मार्केट गैप अप होता है वो या तो 50 EMA पर रेजिस्टेंस लेगा, मतलब यहाँ कहीं पर गैप अप होगा और यहाँ पर. अगर आपको लग रहा है बहुत बड़ा गैप अप होगा तो भाई भूल जाओ, मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़ा गैप अप जो है वो आपको देखने को मिल सकता है. बैंक निफ्टी 200 टू मैक्सिमम 300 के बीच में खुलेगा अगर गैप अप होता है तो. अगर गैप अप होता है तो मैक्सिमम 200 टू 300 पॉइंट्स के नीचे खुलेगा और उसके बाद में मार्केट इसी लाइन से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता हुआ दिखाई देगा. इसके हाई चांस है कि मार्केट खुलने के बाद नीचे आता हुआ दिखाई देगा. उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, सिंपल सी रूल है. पहली 5 मिनट का बनने देना, होल्ड करना, उसका हाई मार्क करना, उसका लो मार्क करना. अगर पहली 5 मिनट का कैंडल अगली 3 कैंडल के अंदर टूट जाता है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब ये बनेगी आपकी 9:15 से 9:20 की कैंडल, 9:20 से 9:25, 9:25 से 9:30 और 9:30 से 9:35. अगली 3 कैंडल में इसके लो के नीचे आपको क्लोजिंग मिल जाती है, डाउन ट्रेंड क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा गैप भरने के लिए मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा. ये इसके चांसेस 70% से ज्यादा के हैं और मैं खुद इसको प्ले आउट करने वाला हूं. अगर मार्केट ऐसा कुछ काम करती है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करेंगे. यहां से टूटने के बाद अगेन टारगेट क्या होगा, सेम इसका लो आप मांग के चल सकते हो. 200 EMA को दोबारा से चरण स्पर्श करने नीचे की तरफ आ सकती है, इस बात का ध्यान रखना. ठीक है, और अगर ये मार्केट इसका हाई तोड़ के निकल जाती है, हाई क्या है, मैं बाय सिर्फ इसके ऊपर करूंगा. 44,087 के ऊपर मार्केट 5 मिनट की कई 2 कैंडल क्लोज करती है, मैं बाय करने में इंटरेस्टेड वैसे तो मैं नहीं हूं, लेकिन इसके ऊपर ही इंट्राडे के अंदर सेटअप बनता है तो प्ले आउट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अदरवाइज मुझे लगती नहीं है कोई अपॉर्चुनिटी कि मार्केट यहाँ पर बाय करनी चाहिए. ठीक है, मार्केट को बाय नहीं करना चाहिए. मार्केट को बाय कब तक नहीं करना चाहिए, जब तक मार्केट 18,650 के ऊपर ना निकले या 44,000, पहले 160 था, मैं अब 200 बोल रहा हूँ, जब तक 200 के ऊपर ना निकले ना तब तक बाय नहीं करना चाहिए. इसके ऊपर बाय किया जा सकता है, इसके ऊपर बाय किया जा सकता है. क्या 18,800 के लिए, ये मेरा फॉल का टारगेट था, तो ये 44,800 ये 2 ऊपर के टारगेट ओपन है, अभी भी पेंडिंग है, उसके लिए बाय किया जा सकता है. लेकिन 44,200 के ऊपर ही खरीदा जा सकता है, उसके नीचे सिर्फ पैसा खाएगा और कुछ नहीं. अगर आपको लगता है पैसा बनेगा, भूल जाओ यार, पैसा बनना बड़ा मुश्किल काम हो गया मार्केट के अंदर. ऑपरेटर इतने एक्टिवेट है कि भाई वो बायर को, ऑप्शन बायर को ना पैसा ही नहीं कमाने दे रहे. अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो भाई चैट में बताना मुझे कि मार्केट में ट्रेडिंग इज नॉट एज सिंपल
एज इट वॉज बिफोर, जिस तरीके से हमें मूव मिलते थे, ब्रेकआउट मिलते थे, लेजिट होते थे, अच्छा खासा ट्रेडर बनता था, अब वो सारा का सारा मामला जो है वो खत्म होने लग गया। निफ्टी के अंदर पैटर्न की बात करें तो गाइस निफ्टी के अंदर एक ये जो मूव आया है ये बेसिकली बुलिश डाइवर्जन की वजह से आया है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, दो तरीके के पैटर्न आपको दिखेंगे यहाँ पर, ये पॉजिटिव पैटर्न दिखेगा, फॉलिंग वेज टाइप का पैटर्न दिख रहा है, और यहाँ पर क्या हमें डाइवर्जन दिख रहे हैं, बिल्कुल डाइवर्जन दिख रहे हैं। देखो ये वाला, इसने एक लोअर लो लगाया प्राइस ने, लेकिन यहाँ पर प्राइस ने एक लोअर लो नहीं लगाया बल्कि एक हायर लो लगाया, स्लाइट डाइवर्जेंस है, बुलिश डाइवर्जेंस है, और ये फॉलिंग वेज है। सो निफ्टी इज मोर पॉजिटिव, इसका क्या मतलब है, इफ इन केस यू गोइंग बाई साइड और आपको कोई बाई साइड का सेटअप मिलता है, निफ्टी विल बी द फर्स्ट चॉइस जहाँ पर आपको बाई करना चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी सेल के लिए रखेगा, सेल के लिए जब फॉल आएगा तो बैंक निफ्टी के अंदर तेज आएगा। ठीक है, और ये सारी की सारी कहानी कौन बता देगा, ये वाला बैंक ना, याद रखना, मॉर्निंग मॉर्निंग खुलते के साथ में ये बता देगा, ये रेड है तो भाई बैंक निफ्टी गिर जाएगा, ये ग्रीन है तो भाई मार्केट में इसका इसका बहुत महत्व है, और इसके मल्टीपल एग्जाम्पल मल्टीपल रिजल्ट लाइव ट्रेडिंग में, रिकॉर्डेड ट्रेडिंग में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, तो इसको नोटिस करना कि क्या कर रहा है। बट ये इस पैटर्न के हिसाब से जो बाई की पोजीशन बनती है वो सिर्फ और सिर्फ बनती है 18,562 के ऊपर, तो लगभग 18,600 या 18,600 मान के चलो, 18,600 के ऊपर ही बाई की सिचुएशन बनती है, उससे पहले सिर्फ ट्रैप है और कुछ नहीं है। कंसिडरिंग दिस, हो सकता है कि मार्केट आपको 18,600 के ऊपर ही ओपनिंग दे, उस पर्टिकुलर केस के अंदर मेरा बाइंग लेवल मैंने आपको जो बताया वही रहने वाला है, 18,650 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो बाय करेंगे, वरना हम बाय के बारे में नहीं सोचने वाले, क्योंकि मार्केट वहां से कुछ भी काम कर सकता है। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं ये 4 आवर के ऊपर, काफी लोग इसको फ्लैग पैटर्न में बोल रहे हैं कि सर ये तो फ्लैग बन रहा है, सर ये तो फ्लैग बन रहा है और ये फॉलिंग वेज बन रहा है, इसका दोनों का ब्रेकआउट लेवल इज सेम। ठीक है, टारगेट की बात करूं अगर ये तोड़ता है तो इसके हिसाब से इसका जो टारगेट बनता है करीब करीब 150 प्लस प्लस पॉइंट का बनता है, लेकिन अगर ये फ्लैग है तो फ्लैग का जो टारगेट है वो ऊपर की तरफ कितना बनता है, वो करीब करीब 280 पॉइंट्स का बनता है। तो अगर आप दोनों को मिक्स एंड मैच करते हैं और मैं 250 पॉइंट के आसपास लेके चलूं तो मार्केट में जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 250 पॉइंट के आसपास, ये देखो 250 के आसपास कह रहा है 18,818। मैं आपको क्या टारगेट दिया, मैंने आपको सेम टारगेट दिया जो मेरा फिबोनाची का टारगेट आ रहा है, क्या आ रहा है 18,650 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो उसका जो टारगेट है वो है 18,800, दैट इज द टारगेट जो मेरा मेन फॉल का लेवल है। मुझे लगता है कि मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए, बट एनीवेज आप उसको कंसिडर मत करो, फॉल वॉल भूल जाओ। ठीक है, मार्केट कब नहीं गिरेगी भाई, मैं अभी भी बोलता हूँ मार्केट नहीं गिरेगी, जितने भी फॉल आएंगे सबके सब बाय कर लिए जाएंगे, मेरी एनालिसिस वीडियो में हमेशा बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ मार्केट नहीं गिरेगी, मार्केट कब गिरेगी, जब न्यूज आएगी। अब ये बात भाई मुझे भी नहीं पता कि कब आएगी, कैसी आएगी, कौन सी न्यूज आएगी, कहाँ आएगी, और इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं बता आपको चार बार बता चुका हूँ। मेरी 10 EMA की स्ट्रैटेजी में जब जब इसने 22 कैंडल के अंदर टच किया है, एक बड़ा फॉल आया है, और इसने फॉल नहीं दिया है भाई अभी तक, एक बड़ा फॉल नहीं दिया है इसने अभी तक, और ये जितना ऊपर जा रहा है इसका क्या मतलब है, अगर फॉल नहीं दे रहा है और फिर भी ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ा फॉल आने वाला है। ठीक है, एज पर प्राइस एक्शन जिसने मेरी नींदें उड़ा रखी है, 41,500 का टारगेट मुझे लगता है पर्सनली मार्केट में नीचे की तरफ आना चाहिए सिर्फ इस स्ट्रैटेजी की वजह से, और ये स्ट्रैटेजी कभी फेल नहीं हुई है। ठीक है, हाँ हम भी गलत हो सकते हैं, लेकिन उसका मतलब मैंने क्या बोला, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज डू नॉट मेक एनी बिग पोजीशंस बाय योरसेल्फ, इंट्राडे के अंदर खेलो, लेकिन याद रखना ओवरनाइट रात को कभी कॉल पोजीशन लेके मत जाना कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, एक भाई वाली एडवाइस से सिर्फ सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई बाइंग पोजीशन दिखती है तो आप डेफिनेटली बाय भी कर सकते हो, अपने हिसाब से एनालिसिस के हिसाब से पोजीशन भी बना सकते हो, आप यू फ्री टू डू दैट। बट याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ, पैसा पुट में ही बनेगा, जितना मर्जी कॉल बाय कर लेना, जितना मर्जी मार्केट को 18,800 ले जाना, ऑपरेटर चाहे तो उसको 19,000 भी ले जाए, क्योंकि वहां पर सपने दिखाए जाएंगे, आपके बार 19 पार। ठीक है, आपके बार 19 पार, और वहीं से जिस दिन सब बुलिश हो जाएंगे ना मार्केट, वहां से गिव अप करेगा। ठीक है,
ये सीन सिनेरियो बनते हैं। फटाफट आपको लेवल दे देता हूँ, बाकी और कुछ समझने को है नहीं। जो पैटर्न थे मैंने आपको बता दिए। मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पर एक एक बार गैप अप भी देता तो इसी लाइन के आसपास से रेजिस्टेंस लेके इसको वापस नीचे की तरफ गिरना चाहिए और ये पूरा का पूरा गैप फिल करना चाहिए। और मंडे के दिन ये गैप फिल होगा। इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, 5 मिनट की कैंडल लगानी है और 3 कैंडल का इंतजार करना है। वो डिसाइड कर देंगे मार्केट को क्या करना है, सिंपल सा रूल है। चलो फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आपको लेवल देता हूँ, उसके बाद में डेटा एनालिसिस कर लेते हैं कि डेटा क्या बोल रहा है। लेवल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं। उससे पहले डेटा एनालिसिस वीडियो कर लेते हैं 5 जून के लिए। जो फ्राइडे को डेटा आया है, समझो तो बात साफ भी है ना समझो तो ये राज भी है। यहाँ पर आप डेटा देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत मिनिमम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट 1,70,000 पुट बुक किए इन्होंने, कॉल्स को बेचा है और 52,000 इन्होंने कॉल पुट राइटिंग भी की है। 34,000 इन्होंने फ्यूचर खरीदे हैं, विच इज पोजिशनली वेरी बुलिश गाइस। FII ने बाइंग की है, 34,000 इज अ बिग अमाउंट, ठीक है। 4,000 और मुझे लगता है ये बारूद इकट्ठा कर रहा है, सिंपल सी चीज है। मुझे ये नहीं लग रहा कि मार्केट को बुलिश कर रहा है, मुझे ये लग रहा है कि बारूद इकट्ठा कर रहा है। 1,05,000 कॉल्स खरीदी और 37,000 पुट भी बाई की है। चलो देख लेते हैं नेट बेसिस पे क्या बोलेगा। 12,000 स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं, 6,000 स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं, 64,000 कॉल बाई की और 18,000 कुछ नहीं है। और यहाँ पर इतना, चलो DII का कुछ नहीं है, ये नेट बेसिस पे ही पता लगेगा कि भाई सीन क्या चल रहा है। और ये डेटा देखो कुछ खास नहीं है, तो ये तो साइडवेज ही बता रहा है मार्केट को। यहाँ पर मेन चीज़ है, यहाँ पर देखो 470 था, इन्होंने 1,70,000 पुट बाई कर लिए, ठीक है। ये बैरिश है, रिटेलर बैरिश है। 207 और 313 यहाँ से FII बुलिश हो गए, FII बुलिश हो गए। नेट बेसिस पे देखेगा पता लगेगा। 208,000 से 1,40,000 इन्होंने थोड़ा सा पोजीशन को कम किया, तो ये भी बुलिशनेस दिखा रहा है। यहाँ पर देखो 376,000, 376,000 से 428,000, ये जो पोजीशन है ये हेज करने के लिए इन्होंने शॉर्ट मारी है। क्यों, ये बुलिश है भाई, सुपर डुपर ऊपर बुलिश है, सुपर से भी ऊपर। सो रिटेलर आर वेरी मच बुलिश। और आपको याद है 4 लाख से ऊपर जब डेटा जाता है तो क्या होता है, एक बड़ा मूव आता है। और मंडे के दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मॉर्निंग के अंदर ओपनिंग के टाइम पर और सेकेंड हाफ में 12 बजे के बाद अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो 93,000 से 89,000 कुछ खास नहीं है, 2,99,000 से 3,37,000 ना, यहाँ देखो 3,37,000, 3 लाख, दोनों साइड 3 लाख से ज्यादा का डेटा है। 3 लाख से ज्यादा का डेटा मतलब दैट मींस दे आर साइडवेज और दे आर एक्सपेक्टिंग अ वी शेप रिकवरी या ए शेप मोमेंटम। मार्केट ऊपर भी गया तो ये कॉल बुक कर लेंगे, फिर यहाँ पर और पुट बाय करेंगे ताकि नीचे की रेडी और तरीके से एंजॉय कर सके, क्योंकि FII इज एंटिसिपेटिंग अ बिगर मूव। मैं बता रहा हूँ समथिंग बिग इज कुकिंग, समथिंग बिग इज कुकिंग, बी अवेयर ऑफ इट, ठीक है। ये बाकी देखेंगे इसका 1,03,000 तो ये तो बैरिश ही है, ठीक है, ये बैरिश ही है। ओवरऑल अगर आप डेटा देखने की कोशिश करोगे तो रिटेलर्स आर वेरी बुलिश आई वुड से, ठीक है। FII की बात करें तो ये है भाई साइडवेज, मेरे हिसाब से जो डेटा बोल रहा है ये साइडवेज की पोजीशन है इनकी। और जो प्रोज की है, प्रोज लुकिंग एट द डेटा इज बैरिश, ठीक है, डेटा तो ये बोल रहा है। बाकी रिटेलर को फेवर करती है तो गैप अप होना चाहिए, वो दिखा भी रहा है, ठीक है। लेवल्स दे देता हूँ आपको मंडे के लिए, क्या लेवल्स आएंगे ये लेंगे स्क्रीन के ऊपर। अगर मार्केट मंडे के दिन आपको 44,077 के ऊपर जाती हुई दिखाई देती है, 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज करती है, तो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो सिचुएशन बनेगी, ध्यान रखना, मैं लेवल बना देता हूँ। दो सिचुएशन क्या बनती है वो बता दूँ। एक सिचुएशन बनती है कि मार्केट गैप अप ओपन हो लेकिन इसके नीचे हो, ठीक है, जो मार्केट ओपन हो रही है वो इसके नीचे ही यहीं कहीं पे ओपन हुई और यहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरता है, इमिजिएटली इसके हाई का ऐसा लगा के स्टॉक शॉर्ट मार देना। ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, ये तीसरा टारगेट, ये चौथा टारगेट, ऐसे टारगेट बनेंगे। लेकिन अगर मार्केट 44,077 के ऊपर ओपन होता है, याद रखना ऊपर ओपन होता है, तो गलती हो जाएगी। गलती मतलब ये मार्केट अगर ओपन होती है तो नीचे आने के बाद इस लेवल से सपोर्ट लेने का पूरा पूरा काम करेगी, और यहां से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो इसी के लो का स्टॉप लॉस लगा के इस टारगेट के लिए बाय भी करना, ठीक है, बाय भी करना। तो क्योंकि मार्केट ऐसा 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 कुछ मोमेंटम दिखाने वाली है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना।
ठीक है, अगर मार्केट अगर दोबारा बता देता हूँ 44,077 के ऊपर क्लोज होती है और नीचे की तरफ आती है, यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करती है, कोई बुलिश कैंडल दिखाई देती है तो बाय करना है, ये तोड़ देती है तो भाई इसी के ऊपर का सेल लगा के अगेन ये टारगेट ये टारगेट ये टारगेट ये टारगेट, और मुझे एंटिसिपेट है कि मार्केट ये काम करने वाली है मंडे वाले दिन। ठीक है, नीचे के लेवल क्या रहेंगे अगर आप सेल के साइड पर करते हैं, फ्लैट ओपनिंग होती है और ये धोखा होता है जो एचडीएफसी निफ्टी ने अभी दिखाया है हमें, 43,800 के नीचे मार्केट निकलती है तो आपका पहला टारगेट होगा 43,666 का और उसके नीचे 43,530 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ लेवल्स की, तो ये स्क्रीन के ऊपर आपके पास लेवल्स है, बाय करना है 18,579, इसका भी सिनेरियो सेम रहेगा, अगर मार्केट ओपनिंग देता है यहाँ पर कहीं पर इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरता है तो यहाँ पर सेल करना है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर ओपनिंग देता है और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर बाय की पोजीशन भी बना सकते हो। और ऊपर के जो आपके टारगेट निकल के आएंगे वो क्या रहेंगे, वो टारगेट निकल के आएंगे वो हैं 18,579 के ऊपर आपको टारगेट आएगा 18,626 का और 18,675 का इंट्राडे के अंदर। मार्केट में अगर नीचे की तरफ के लेवल बनते हैं तो 18,482 के नीचे बिंदास सेल कर सकते हो, 18,433 आपका पहला टारगेट होगा और नीचे की तरफ जो फाइनल टारगेट होगा वो निकल के आएगा 18,387। ये लेवल मैं अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग के तरफ के अंदर शेयर कर लूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है गाइस, अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑन वर्कशॉप गाइस, जो लोग फुल वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं 9 जुलाई को बैच शुरू हो रहा है, यू कैन रजिस्टर वाया एप्लीकेशन, हमारी जो ट्रेडिंग की तरफ की एप्लीकेशन है वो ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, 25th of June गाइस फेस टू फेस वर्कशॉप हो रही है दिल्ली के अंदर, अगर आप दिल्ली और उसके आसपास में हैं तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दी वर्कशॉप, जिस वर्कशॉप के अंदर आपको ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं कि आप मतलब बहुत ही मज़ेदार, आपको फिबोनाची सीखने को मिलेगा जो बोनस है पहले ऐड नहीं था लेकिन मैं आप सिखाने वाला हूँ, आपको संजीवनी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी, ठीक है, आपको चिराग स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी, ये सबका बाप है मैं अभी भी बता रहा हूँ, इसके अलावा आपको 245 का नया वर्जन सीखने को मिलेगा जो अभी तक किसी ने नहीं सीखा है विच इज़ पार्ट टू, ठीक है, और इसके अलावा हम कैलाशा स्ट्रैटेजी का भी अपग्रेडेड वर्जन सीखने की कोशिश करेंगे, कैलाशा स्ट्रैटेजी, ठीक है, और सुदामा पार्ट टू ये पूरा का पूरा सेटअप अलॉन्ग विद मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी सब कुछ, और मेरी बुक इज लॉन्चिंग ऑन 25th of June itself गाइस, तो हमारा बुक का लॉन्च भी मैं 25 तारीख को ही रखने वाला हूँ दिल्ली के अंदर, सो यू आर इनवाइटेड फॉर द बुक लंच इज वेल, यू कैन कम एंड गेट द फर्स्ट कॉपी ऑफ द बुक इन द वर्कशॉप इटसेल्फ। अगेन ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी ऑन Amazon एंड Flipkart एंड एवरीवेयर, तो आप वहाँ से भी परचेज कर पाओगे खाली बुक अगर आपको लेनी है तो, लेकिन आई पर्सनली प्रिफर कम एक्सपीरियंस इट, दिस वर्कशॉप विल बी सुपर से भी ऊपर, द होल कॉस्ट ऑफ द वर्कशॉप संजीवनी 5,000 का, चिराग 5,000 का, ये भी फिबोनाकी का कोर्स 800 रुपये के आसपास का, ये भी 999 के आसपास का है, द वर्कशॉप कॉस्ट इज ओवर एंड अबव 12,000 रुपीज, बट ये आपको सिर्फ और सिर्फ 50% ऑफ पर मिल रही है, ठीक है, समवेयर अराउंड 5,500 के आसपास की है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 50% डिस्काउंट मिल रहा है फॉर द फर्स्ट 30 यूजर्स, 15 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, इफ़ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड क्लिक ऑन द लिंक एंड रजिस्टर योर सेल्फ फॉर द वर्कशॉप, आई विल लव टू सी यू देयर, पुराने स्टूडेंट नए स्टूडेंट जितने भी लोग हैं कम एंड जॉइन अस, बुक लॉन्च करेंगे साथ के साथ और बहुत मजे आने वाले हैं, उसके लिए तैयार रहेगा। और लास्ट इन्फॉर्मेशन एक और है गाइस, आप में से अगर कोई टीचर है या आप कोई काम करते हो और अपना आपका खुद का मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि एंड्रॉइड पर iOS के ऊपर आपके जो अपना खुद का मोबाइल एप्लीकेशन हो, तो आप क्लास प्लस के थ्रू जुड़ सकते हो, मेरी एप्लीकेशन भी इनके थ्रू है, और अगर आप बनना चाहते हो तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड रजिस्टर योर सेल्फ एंड इनको करने दीजिए, ये आपका एप्लीकेशन बना के देंगे, रन करके देंगे, इट्स अ वेरी सिक्योर नेटवर्क, आई एम यूजिंग इट फ्रॉम पास्ट 2 years नाउ, इट्स अ रियली गुड प्लेटफॉर्म, सो आई विल रिकमेंड दैट, अगर कोई चाहता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका भी मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी
मुलाकात होगी, तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो, और सी यू गाइस वेरी सून, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।